हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन खाता कैसे खोले। दोस्तों, ऑनलाइन खाता खोलने के लिए एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए SBI में आपको कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है योनो SBI एप्लीकेशन आपको सर्च कर लेना है और इसे आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा New to SBI का, तो आपको New to SBI वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अकाउंट ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करने का, इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन करने का। तो यहाँ पर अगर आप इंस्टा सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इंस्टेंट आपको अकाउंट नंबर मिल जाता है, IFSC कोड मिल जाता है। यदि आप डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक बार ब्रांच में विजिट करना पड़ता है। फुल KYC होने के बाद आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर तुरंतली मिल जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में बताने वाला हूँ ओपन करके। तो इसके लिए आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये दोनों का प्रोसेस सेम है, आप चाहे तो इंस्टा सेविंग में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ और रिज्यूम का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप पहले से फॉर्म को फिलअप करके छोड़ चुके हैं तो यहाँ पर आपको रिज्यूम में जाना है। यदि आप नया हैं तो अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप रिज्यूम पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपसे पैन नंबर पूछा जाएगा। डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप करके छोड़े रहेंगे वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नया अकाउंट ओपन करना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अप्लाई मोड का ऑप्शन 2 मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप EKYC के थ्रू कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके आप EKYC करके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपना दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड पासपोर्ट से ओपन करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आप यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आपको नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि आधार कार्ड सबके पास होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन रीड करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर email ID पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और email ID ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर email ID फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर email ID डालेंगे उस पर OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मेरे पास OTP आ गया है, मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको OTP को यहाँ पर डाल लेना है और OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला यहाँ पर पेज फटका के आता है। यहाँ पर ये डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करना है, आपको फर्स्ट वाले पर टिक करके आपको पैन नंबर देना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर दे करके आपको नीचे वाले बॉक्स पर आपको टिक लगा देना है और टिक लगाने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगला पेज यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स का आ गया है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आधार, यहाँ पर आपका QR कोड स्कैन कर सकते हैं, दूसरे नंबर में आधार कार्ड डालकर के आधार कार्ड का नंबर डाल करके कर सकते हैं, या तो आप virtual ID पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, आधार नंबर का। तो यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पर्सनल डिटेल्स में आपको आधार नंबर डालने का। तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डालूँगा, टाइटल डालूँगा, नेम वगैरह सब डालना है। तो आधार नंबर मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपको टाइटल सेलेक्ट करना है कि आपका टाइटल क्या है, अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको नेम का ऑप्शन मिलेगा, तो नेम के ऑप्शन में आपको फर्स्ट नेम में आपको अपना फर्स्ट नेम लिख देना है। तो जो भी आपका नाम है आपको अपना फर्स्ट नेम में कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर लिख देना है। आप चाहे तो स्मॉल में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर कैपिटल में लिखिएगा। यदि आपका मिडिल नाम है तो मिडिल नाम लिखिए, अदरवाइज उसे छोड़ दीजिए ब्लैंक। उसके बाद आपको नेक्स्ट में जाना है और नेक्स्ट नेम में लास्ट नेम में आपको लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपको मेल और फीमेल का यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, जेंडर में आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। उसके बाद आपको DOB का ऑप्शन मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ का।
तो आपको सबसे पहले आपको अपना डे सेलेक्ट करना है, डे में आपको अपना डे डाल देना है, उसके बाद एमएम में आपको मंथ डालना है, उसके बाद वाईवाई में आपको अपना डेट ऑफ ईयर डाल करके यहाँ पर जो ये एड्रेस वाला बॉक्स है इस पर आपको टिक लगा देना है। तो इस पर मैंने टिक इस पर लगा देता हूँ, अगर आप टिक नहीं लगाएंगे तो आगे नहीं जा सकते हैं, तो इस पर लगा देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ कर लिया है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगला पेज पर्सनल डिटेल्स का यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा सिटी ऑफ प्लेस का, बर्थ का, यहाँ पर आप किस सिटी में आपका जन्म हुआ है यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं अपना सिटी का नाम। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंट्री ऑफ बर्थ का, तो यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ में आपको क्या करना है, सेकंड वाले में आपको INDI यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे ही आप INDI टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं INDI टाइप कर दिया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर नीचे आ गया है, आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर रिलेशनशिप यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं सिटीज़न है तो यहाँ पर कर देना है। उसके बाद नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पर आपको INDI टाइप करेंगे तो यहाँ पर इंडिया शो कर देगा, तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको तीनों में इंडिया सेलेक्ट करना है, और फर्स्ट में आपको अपना डेट ऑफ प्लेस लिख देना है, मतलब सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने अगला पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर नेट बैंकिंग का जो कि यहाँ पर यूज़र आईडी बनाना है डाल करके आपको चेक करना है। एचेकेबिलिटी पर क्लिक करेंगे, जो भी यूज़र आईडी रखना चाहते हैं अगर ये भी पर रहेगा तो दिखाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे तो देखिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा तो ग्रीन आ जाएगा। उसके बाद आपको पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बनाना है कि अपना नेम एजरेट 123 इस तरह से आपको बना देना है पासवर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर कस्टमर फोटो का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप एक फ़ोटो पर क्लिक करके फ़ोटो ले सकते हैं, या तो सेकंड वाले से आप अपने गैलरी से फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने सेकंड वाले पर क्लिक किया, उसके बाद अलाउ पर क्लिक करना है, और यहां से आपको अपने गैलरी से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहां पर आप जैसे ही फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से अपने उंगली से इस तरह से आपको क्रॉप करके इसे सेट करना है, और सेट करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में ऑप्शन मिल जाता है डॉन का, डॉन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ पर फ़ोटो के नीचे आपको सही के टिक दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है, उसके बाद फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होगा तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। उसके बाद अगला पेज यहाँ पर खुल करके आ जाता है, यहाँ पर इनकम का, एनुअल इनकम आपका क्या है, तो आपका जो भी है यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना है, तो जो भी आपका है आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल डिटेल्स में यहाँ पर फादर्स नेम का, तो फादर्स नेम में आपको सबसे पहले फादर्स का यहाँ पर टाइटल देना है, तो आपको टाइटल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फादर्स के फर्स्ट नेम में आपको फादर्स फर्स्ट नेम डालना है, जो कि आपके आधार कार्ड पर है वही आपको यहाँ पर फादर्स नेम फर्स्ट नेम देना है। अगर मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम में फादर्स का मिडिल नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम का ऑप्शन मिल जाता है, तो लास्ट नेम भी आपको अपना फादर्स का लास्ट नेम भी आपको फिल कर देना है। यहाँ पर फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट में ऑप्शन मिल जाता है मदर्स नेम का, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मदर्स नेम वाले ऑप्शन में आपको सबसे पहले टाइटल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपना मदर्स का टाइटल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मदर्स नेम का फर्स्ट नेम में आपको फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखने के बाद अगर मिडिल नाम है तो मिडिल नाम लिखिए, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद लास्ट नेम में जाकर के आपको अपना लास्ट नेम फिलअप करना है। लास्ट नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ फिलअप कर लिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन पूछा जाता है कि आपका यहाँ पर व्यवसाय क्या है, तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपको कोई नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट का ऑप्शन है, सेल्फ एम्प्लॉई है, यहाँ पर हाउस का है, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ है, हाउस वाइफ यहाँ पर जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नॉमिनी का डिटेल्स फिलअप करने का आ जाता है, तो यहाँ पर नॉमिनी का आपको नाम डालना है, जो भी आपका नॉमिनी का नाम में डालना है, जिसे भी नॉमिनी बनाना है। नॉमिनी नेम में
उसका फुल नेम लिख देना है, नॉमिनी का रिलेशन बताना है कि नॉमिनी के साथ में आपका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर आपको रिलेशन में आपको टाइप कर देना है कि नॉमिनी का जो भी आप नाम डालेंगे, जिसे भी नॉमिनी बनाना है वो आपका क्या लगता है यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर नॉमिनी का नेम आपको टाइप करना है, पहले डेट लिखना है, मंथ लिखना है, उसके बाद से आपको ईयर टाइप कर देना है। यदि आपकी यहाँ पर माइनर रहता है नॉमिनी, तो उस केस में यहाँ पर आपको नॉमिनी का फादर्स के नेम डालना है और उसका एज डालना पड़ेगा। यदि आपका 18 प्लस है नॉमिनी, तो आपको यहाँ पर फिलअप नहीं करना है, गार्जियन वाले में ये ऑप्शन नहीं आएगा आपको फिलअप करने का। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने सारा कुछ फिलअप कर लिया है, उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही नॉमिनी का डिटेल्स का ऑप्शन आएगा यहाँ पर एड्रेस फिलअप करने का। तो जो भी आपका नॉमिनी का एड्रेस है यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लिया हूँ। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट और बैक का, तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अगला पेज यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग आपको किस तरह का चाहिए। यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग राइट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, व्यू ओनली, लिमिटेड और फुल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि थर्ड वाले ऑप्शन को, फुल ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो केवल देख पाएंगे, लिमिटेड वाले में लिमिट रहेगा, फुल वाले पर आप पैसा ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से दे सकते हैं, हर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसलिए आपको फुल ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर SMS अलर्ट वाले में यस करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कार्ड का कि आपका कार्ड कैसा चाहिए, टाइप कार्ड में आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डोमेस्टिक का, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कार्ड का यहाँ पर ऑप्शन, नेक्स्ट में ऑप्शन मिलेगा कैसा कार्ड चाहिए, तो यहाँ पर सिल्वर और क्लासिकल एक ही दिखा रहा है, तो आपको इसी सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कार्ड पर क्या नाम चाहिए, मतलब कि ATM कार्ड पर क्या नाम चाहिए, यहाँ पर जो भी आपका नाम चाहिए आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, या तो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, आप रहने देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन आएगा, रीड एंड टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है बॉक्स पे। यदि आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे अभी तो देखिए क्लिक नहीं होगा, इसके लिए आपको जो ये आर्टिकल है, ये टर्म एंड कंडीशन आपको स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, तभी ये क्लिक हो पाएगा। तो इस तरह से आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है, अब आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। जो भी आप फर्स्ट टाइम OTP के लिए मतलब कि मोबाइल नंबर आप डाले थे लिंक करने के लिए, यहाँ पर ओपन करने के लिए, उस पर OTP जाएगा, यहाँ पर डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर एक यहाँ पर रेफरेंस कोड जनरेट हो जाता है, ये कोड 15 दिनों के लिए वैलिड रहता है। इस कोड को ले जा करके आप किसी भी SBI के ब्रांच में अपना खाता को 5 मिनट के अंदर अंदर ओपन करा सकते हैं। ये कोड ले जा करके आपको देना है और पैन कार्ड आधार कार्ड का आपको जीरोक्स ले जा करके किसी भी SBI के ब्रांच में आप देंगे तो तुरंत आपको 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन करके दे दिया जाएगा और आपका पासबुक भी आपको SBI ब्रांच से मिल जाएगा और 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ATM कार्ड आपके घर पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट SBI में ओपन करा सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।